नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये प्यारा सा बेबी बूट लाई हूँ। ये 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए है। देखिए कितना खूबसूरत है और बनाना भी बहुत ही आसान है। प्यारा सा बेबी बूट। इसे बनाने के लिए मैंने ऊन को ट्रिपल फोल्ड किया है। देखिए 3 बार इसे मैंने फोल्ड किया है, ट्रिपल फोल्ड किया है। 10 नंबर की सिलाई ली है और 30 डिजाइनर फंदे डाले हैं। मैंने 30 डिजाइनर फंदे डाले हैं। डिजाइनर फंदों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो 30 डिजाइनर फंदे डालकर मैं तो पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, फिर उनको घुमाकर अपनी ओर करेंगे, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ से बुनाई करते हुए 6 लाइन बुन लेंगे। 6 लाइन बुन के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे 3 उल्टे फंदों की धारियां सामने से भी आ गई हैं और पीछे से भी आ गई हैं। तो ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें ये वाला डिजाइन डालेंगे जो मैंने इसमें डाला है। तो इसे बनाने के लिए पहले हम फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे और फिर दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को छोड़कर अगले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुनेंगे। अब दूसरे वाले फंदे को, तो पहले फंदे को हमने स्लिप कर लिया, अगले 3 फंदे में डिजाइन पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, अब दूसरे फंदे को छोड़कर पहले हम तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर दूसरे वाले फंदे को। पहले हमने पहले फंदे को सीधा बुना, फिर तीसरे फंदे को, फिर दूसरे फंदे को। अब उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर। अगले 3 फंदों में डिजाइन पड़ेगा, तो पहले हम पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे वाले फंदे को छोड़ के तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और अब दूसरे फंदे को सीधा, उन अपनी ओर। अगले 2 फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर। फिर से देखिएगा, 3 फंदों में डिजाइन पड़ेगा, तो पहले हम पहले फंदे को बुनेंगे, यानी 1, फिर 3, फिर 2, उन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अगले 3 फंदों में डिजाइन पड़ेगा, तो पहले हम 1 को बुनेंगे, फिर 3 को बुनेंगे और फिर 2 को, उन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। 3 फंदों में डिजाइन पड़ेगा, पहले हम पहले फंदे को, फिर तीसरे फंदे को, फिर दूसरे फंदे को। 3 फंदों को हमने सीधा बुना, उन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। नेक्स्ट 3 फंदों में डिजाइन पड़ेगा, तो पहले पहले फंदे को, फिर तीसरे फंदे को और फिर दूसरे फंदे को। लास्ट फंदा बचा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। पहले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उन अपनी ओर कर लेंगे। पहले फंदे को हमने स्लिप कर लिया, अब नेक्स्ट 3 फंदे में पहले हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को छोड़ के फिर तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, लेकिन सिलाई सामने की तरफ से न ले जाकर हम फंदे के पीछे की तरफ से ले जाएंगे। तो पहले फंदे के बाद तीसरे फंदे को बुनेंगे, फिर
दूसरे फंदे को बुनेंगे। उन दूसरी ओर अब दो फंदे हैं सीधे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब उन अपनी ओर नेक्स्ट तीन फंदों में डिजाइन पड़ेगा, तो पहले हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को छोड़ के तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरे वाले फंदे को उल्टा और फिर दूसरे फंदे को उल्टा। तीन फंदों को हमने बुन लिया। अब उन दूसरी ओर दो फंदे सीधे, उन अपनी ओर तीन उल्टे फंदों में पहले हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा, फिर दो फंदा सीधा। पांच फंदों के डिजाइन में तीन फंदा उल्टा है, रॉन्ग साइड में हम हैं, तो पहले हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा, फिर दो फंदा सीधा। नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे हैं, तो पहले पहले फंदे को उल्टा, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। उन दूसरी ओर दो फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर लास्ट में चार फंदे हैं, तो पहले पहले फंदे को उल्टा, फिर तीसरे फंदे को उल्टा, फिर दूसरे फंदे को उल्टा। उन दूसरी ओर लास्ट फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब फिर से देखिए, पहला फंदा उल्टा है, इसे हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डाल लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ कर लेंगे। अगले तीन फंदे सीधे हैं, तो हम पहले पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर फिर दो फंदा उल्टा है, उन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं पांच फंदों का को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा सीधा है, तो हम पहले पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा, फिर तीसरे पहले पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को सीधा, फिर दूसरे फंदे को सीधा। ये क्रम हमें याद रखना है। तीन सीधे फंदों में हमें बुनना है, एक तीन फिर दो फंदा उल्टा, फिर तीन सीधे फंदों में एक दो को छोड़ के पहले तीन फिर दो फंदा उल्टा, फिर तीन सीधे फंदों में एक तीन और फिर दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों में एक फिर तीन फिर दो और लास्ट फंदा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा सीधा है, इसे स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर तीन उल्टे फंदों में पहले एक फिर पीछे की तरफ से सिलाई डाल के तीन फिर दो। देखिए दो सीधे फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, तीन उल्टे फंदों में पहले एक को फिर तीन को फिर दो को। तो इन्हीं पांच फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पांच फंदे का और दो लाइन का डिजाइन है, चार लाइन हमने बुन लिया है और आठ लाइन हम और बुनेंगे। इन्हीं चार लाइनों को दोहराते हुए आठ लाइन और हम बुन लेंगे। तो आठ लाइन यानी टोटल हम 12 लाइन बुनेंगे। तो 12 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया है और इस समय इसकी लंबाई है 2 इंच। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे तीन हिस्सों में बांटेंगे। 30 फंदे हैं तो 10 फंदे हम सीधा बुन लेंगे।
तो 10 फंदे हमने सीधा बुन लिए, 2, 4, 6, 8 और 10, और 10 फंदों में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो उन अपनी ओर करेंगे, पहला फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर, और फिर ये 3 फंदों का डिज़ाइन है इसे हम बुन लेंगे, 1, 3, 2, फिर उन अपनी ओर 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदों का डिज़ाइन, पहले हम 1, 3, 2 उन अपनी ओर और 1 फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे 10 फंदे बचे हैं, 4, 8 और 2, 10 फंदे। अब हम यहीं से पलट जाएंगे, पहले फंदे को हम ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अब 3 फंदे उल्टे हैं, तो पहले को, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, फिर उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 उल्टे फंदों में, पहले पहले को, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, उन दूसरी ओर 1 फंदा सीधा। तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। अब हमें यहीं से पलट जाना है, पहले हम ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, फिर 3 सीधे फंदे बुन लेंगे, 1, 3, 2, उन अपनी ओर 2 फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर 1, 3, 2, उन अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, यहीं से पलटना है उन। अब ये देखिए सीधा फंदा है, तो इसमें ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर 3 उल्टे फंदे ने हम बुन लेंगे, 1, 3, 2। तो अब हमें बस इन्हीं 10 फंदों को बुनना है, ये हमारा चौथा लाइन है, और हमें टोटल 16 लाइन कंप्लीट करना है। अब हम इसमें ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 सीधे फंदे हो गए हैं, इस तरह हमारे जब हम 16 लाइन बुनेंगे तो 8 सीधे फंदे हो जाएंगे। तो 16 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 16 लाइन हो गए हैं और 8 ये हमारे सीधे फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8, 16 फंदे हो गए हैं। तो अब हम इस धागे को यहीं काट देंगे और जहां से हमने ये छोड़ा था, ये 10 फंदे तो हमने सीधे बुन लिए हैं, अब हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे और 8 फंदे उठा लेंगे, 1, 2, 3, तो हमने 8 सीधे फंदे यहां से 8 फंदे उठा लिए। अब हम इन दोनों धागों का आपस में बांध देंगे और फिर ये जो 10 फंदे पर हमने डिजाइन बनाया था उन्हें भी अब हम सीधा बुन लेंगे और इस धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे। अब हमें इस साइड से भी फंदे उठाने हैं, तो क्या करेंगे देखिए, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे 8 फंदे हो गए, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने दूसरे साइड से भी 8 फंदे उठा लिए।
और अब ये हम जो 10 फंदे हमने छोड़ दिए थे अब उनको भी इसी सिलाई पे बुन लेंगे। 30 फंदे थे और हमने साइड साइड से 8-8 फंदे उठा लिए तो 46 फंदे हो गए। 30 फंदे थे, 30 फंदे थे और 8-8 फंदे यानी 16 फंदे हमने और इसमें ऐड कर लिए तो 46 फंदे हो गए। अब हम पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। यानी अब हम इन्हें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। अब हम इन्हें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा लाइन, ये सीधा बुनते हुए दूसरा लाइन चल रहा है। सामने से देखिए ये ऐसा दिख रहा है। तो ये दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। फिर हम सामने की तरफ हैं, पहले फंदे में ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और शेष सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमारा ये तीसरा लाइन चल रहा है सीधा बुनते हुए और हम 16 लाइन बुनेंगे। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 धारियाँ आ गई हैं, यानी हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया है। और अब ये 13वां सीधे फंदों की 13वां लाइन है। तो पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। ये हम एड़ी में कर्व लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि एड़ी में गोल शेप आए। फिर सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे लास्ट के 3 फंदे बचे के बचने तक। सभी फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट के 3 फंदे बचने तक। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा और घटा दिया और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 14वां लाइन। पंद्रहवें लाइन में भी हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा 16वां लाइन है। तो पहले फंदे में ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। यानी इस लाइन में हम फंदों को बाइंड ऑफ कर रहे हैं। एक एक फंदे को सीधा बुनते जाएंगे, पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इसी तरह एक एक फंदे को सीधा बुनते हुए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते हुए सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब लास्ट फंदा है, इसे हम बड़ा सा लूप बना लेंगे और इसके अंदर से हम गोले को निकालेंगे और इसे कस देंगे और सिलने के लिए हम काट लेंगे।
अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए सीधा वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे हम इसे उल्टा फोल्ड कर लेंगे और अब इसकी हम सिलाई करेंगे। अब देखिए ये सीधे फंदों की धारियां, अब देखिए ये सीधे फंदों की धारियां आ रही हैं ये। तो अब हम एक बार इस साइड का एक हम फंदा डालेंगे, सुई डालेंगे, फिर इधर वाले फंदे में सुई डालेंगे ऐसे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। प्रत्येक फंदे में हम ऐसे सिलाई करेंगे, जितने सीधे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक में हम सिलाई करेंगे, एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। देखिएगा बहुत ही क्लीन और सुंदर सिलाई होगी। नीचे की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ निकालेंगे, एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में। और अब लास्ट में प्रत्येक लास्ट में ऐसे प्रत्येक में हम ऐसे डालेंगे और खींचेंगे। देखिए ऐसा गोल सा आ जाएगा, ये ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए ऐसे गोल शेप में आ जाएगा। और अब हम इसकी इसको पक्का कर देंगे। अब हमें इसमें डोरी डालनी है। डोरी बनाने के बाद जो ये लाइन गया है, देखिए ये सीधे फंदों की जो लाइन गई है, यहीं से हमें डोरी डालना है।